आर्टिकल किसे कहते हैं ना, हमारा चैप्टर क्या है, आर्टिकल। वैसे भी आर्टिकल का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ग्रामर में जब हम आर्टिकल पढ़ाते हैं तो ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर आर्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है, तो आर्टिकल्स का जो मीनिंग होता है, जो आप कोई वस्तु भी हो सकता है, या न्यूज़पेपर में जाते हैं तो न्यूज़पेपर भी होता है, यानी और संविधान में जाते हैं तो आर्टिकल्स का मीनिंग अलग अलग होता है। इसीलिए जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स क्या होता है, मीनिंग अलग होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आर्टिकल्स हमारा चैप्टर है, यानी ए, एन और द को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। कहेगा आर्टिकल्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल्स दो प्रकार का होता है। पहला जो हमारा आर्टिकल्स क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। कौन सा है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। दूसरा क्या है, डिफिनिट आर्टिकल्स है। क्या है दूसरा, डिफिनिट आर्टिकल्स है, डिफिनिट आर्टिकल्स। तो डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स, हमारा आर्टिकल्स कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहते हैं, यानी ए और एन को ही इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ए और एन को क्या कहा जाता है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। फिर है डिफिनिट आर्टिकल्स किसे कहा जाता है, डिफिनिट आर्टिकल्स यानी द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। तो फिर हमें इनका परिभाषा कहीं पर पूछा जाएगा एग्जाम में, नहीं, हमें लेकिन जानना होगा कि डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। चलिए इसका यूज हम आगे सीखेंगे कि ए और एन का यूज हम कहाँ कर पाते हैं, ए और एन का यूज कैसे हुआ। तो हम लिखेंगे यूज ऑफ ए, क्या होगा, यूज ऑफ ए, ए का यूज सीखेंगे, ठीक है। यानी रूल नंबर फर्स्ट है कि ए का यूज, ए इज यूज फॉर, क्या करते हैं, फॉर वन, फॉर एनी वन, वन बोले तो यानी एक, यानी एक का प्रयोग हम एक के लिए भी किया जाता है, वन के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि ही इज अ बॉय, तो हमारा यहाँ पर ए जो हुआ एक आर्टिकल है, ठीक है। जैसे कि हिंदी में अगर लिखेंगे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो यहाँ हमारा ए का मतलब क्या हुआ, वन आया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ए का जो हम प्रयोग करेंगे वो निश्चित नहीं रहेगा, ए का प्रयोग जो होगा, ए का प्रयोग अनिश्चित के लिए किया जाता है, अनिश्चित, अनिश्चित के लिए किया जाता है, किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जांपल में, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, इसका मतलब कोई राजा था। ए का मतलब यहाँ क्या हुआ, ए का मतलब यहाँ हुआ कोई, मतलब निश्चित नहीं है, क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है। इसी तरह से देखिए आप समझ गए होंगे, पहला रूल हमारा क्या था, ए का यूज क्या होता है, ए का यूज होता है आपका किसके लिए किया जाता है, ए का यूज, ए का यूज जो है हमारा किया जाता है एक के लिए, ठीक है, किसके लिए, वन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, वन के लिए, एक के किसके लिए यूज किया जाता है, वन के लिए यूज किया जाता है। जैसे वह एक लड़का है, तो हमारा यहाँ पर ए जो है वन के लिए आया। रूल नंबर टू क्या था हमारा, कि ए का प्रयोग अनिश्चित के लिए किया जाता है। जैसे देयर वॉज ए किंग,
कि ए यहाँ आया एनी के लिए, यानी कोई कोई के लिए, ठीक है। उसी तरह आगे मैं आपको बता देता हूँ ए का यूज किसके लिए किया जाता है, एन का प्रयोग भी अगला सीखेंगे, एन का यूज कैसे करेंगे, एन का प्रयोग कैसे करेंगे, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग हम सामान्यतः जो है हमें यानी वोवेल साउंड के लिए किया जाता है, वोवेल लेटर नहीं, वोवेल साउंड के लिए किया जाता है। किसके लिए? वोवेल साउंड के लिए किया जाता है। हिंदी उच्चारण हमें देखना होता है, जैसे और से लेकर के आपका ऊ तक देखा जाता है, ए से लेकर के बीच में जितने भी होता है अंग तक देखा जाता है। इनमें सभी के साथ हमें एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? एन का प्रयोग। जैसे एग्जांपल में आपको बताते हैं, यूनिवर्सिटी हुआ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में ए लगेगा कि एन लगेगा, बोलिए, ए लगेगा कि एन लगेगा, ए या एन? जैसे कि यहाँ पे वोवेल है, वोवेल देख करके हम बोल सकते हैं कि एन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने आपको बताया जिसका उच्चारण हिंदी में ए से लेकर के ऊ तक और ए से लेकर अंग तक होगा उसमें एन आएगा। तो हम जब हिंदी में यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो ऐसे होता है, यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए हमें एन का प्रयोग नहीं होकर के ये ए का प्रयोग होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए, जैसे कि यूनियन है, यूनियन में हम क्या लगाएंगे, ए या एन? कहेंगे कि ए लगाएंगे, क्योंकि यूनियन होता है, क्या होता है, यूनियन होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे।